बुद्ध, महावीर और चाणक्य के वंशजों, आर्यभट्ट के भतीजों और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते पोतियों, आज खुश तो बहुत होगे तुम। वैशाली की ऐतिहासिक गणतंत्र परंपरा की दुहाई देकर दिन भर न्यूज चैनल पर बिहारी कंटेंट परोसने वाले भाइयों और भौजाइयों, आज इतना चुप कहे हैं आप लोग? कहे आपके होठों पर चुप्पी है? तुमको तुम्हारी ये चुप्पी ना मुबारक हो बिहार। अरे मुबारक हो कि महान वैशाली के धराधाम के चंद किलोमीटर दूर ही सुशासन की बयार के बीचों बीच तुम्हारे फूल जैसी 29 बच्चियों को, बेटियों को समाज कल्याण गृह के पावन छत्र छाया में खिलने से ही पहले उजाड़ दिया गया, उनका बलात्कार कर दिया गया और तुम चुप हो। सन्नाटा है तुम्हारे दिलो दिमाग पर, रखो सन्नाटा। तुमको तुम्हारा ये सन्नाटा मुबारक हो बिहार, मुबारक हो डरी हुई माँ, सहमी हुई बेटी और तुमको तुम्हारी ये नपुंसक नामर्दानगी समझते हो ना, मुबारक हो। सच बोले बिहार, तुम्हारे और तुम्हारे पॉलिटिक्स से अब हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं यार, अरे बातें नहीं करना है सच गलत के बारे में। अब कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके हमसे हमारा पॉलिटिक्स पूछेंगे, बोलेंगे कौन से पार्टी से हो, कौन सा पार्टी से पैसा लियो। बेटा ऐसा है कि एक वीडियो हम बनाए थे 90 का दशक बिहार, देख लीजिएगा यूट्यूब पे है। जब वो वाला वीडियो बनाए तो लोग कहने लगे कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विरोधी हैं। अब ये वाला वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विरोधी हैं। देखिए हम कलाकार हैं, हम पॉलिटिक्स बतियाते नहीं हैं, जो दिल में होता है ना भरास वो निकालते हैं। तो इसीलिए आपको जो लिखना है कमेंट में, जितना हमसे सवाल पूछना है आप सवाल पूछिए, लेकिन हमारा भी एक सवाल आपसे, आपके चुप्पी पर सवाल है, आपके सन्नाटे पर सवाल है। और मेरा सवाल ये है कि एगो मंदिर, एगो मस्जिद, एगो हिंदू, एगो मुसलमान, एगो बिहार बंद, एगो चक्का बंद, एगो राजपूत, एगो ब्राह्मण, एगो यादव, एगो कुर्मी के नाम पर हजारों हजार की संख्या में मिनट भर में बिहार सड़क पर उतर जाता है। आज वो बिहार अपनी बेटी के लिए सड़क पर काहे नहीं उतरा है? अरे कठुआ से लेकर निर्भया रेप कांड तक हर एक बिहारी का अपना अपना ओपिनियन था, काला झंडा लेके सड़क पर निकले थे, आज वो बिहार काहे नहीं है? इसीलिए काहे कि ये जो 29 लड़की का बलात्कार हुआ है, इनके माथे पर इनका जात नहीं लिखा हुआ था? या इसीलिए कि बिहार में बलात्कार के नाम पर वोट नहीं दिया जाता है? या इसीलिए कि उन 29 बेटियों में कोई आपकी बेटी नहीं थी? अरे पान के दुकान पर थोक में थूक फेंकती भीड़ के आंख का पानी क्या इतना सूख गया है कि वो राजनीति के सातिर भेरियों को अपने बेटी के आबरू पर एक अने मार के सियासत की रोटी सेक लेने देगा? अरे कहां गया रे तुम्हारा वो वीर कुमार सिंह का पौरुष बिहार, कहां गया? रामधारी सिंह दिनकर का वो गगन भेदी हुंकार कहां गया बिहार? खाली लेख लिखने, सेमिनार करवाने के लिए और जय बिहार का नारा लगाने के लिए है तुम्हारा ये पौरुष, तुम्हारा ये मर्दानगी? अगर इसको मर्दानगी कहते हो ना तो ऐसे मर्दानगी पे थू है थू। और फिर तब क्यों रोते हो अपने हिस्से के नीतीश के लिए, लालू के लिए, तेज के लिए? अरे रोते क्यों हो जब कोई मोदी, कोई मांझी, कोई पासवान साल दर साल तुम्हें जात, धर्म, टोले, गोत्र, मोहल्ले के नाम पर बांटता है और तुम्हारे साथ, तुम्हारे आने वाले नस्ल के साथ सियासत खेलता है? काहे परेशान होते हो, काहे रोते हो? एक बात जानते हो बिहार, तुम एक डरा हुआ मोहल्ला हो, एक कट चुकी जीभ हो जिससे छीन ली गई है सही और गलत पूछने की हिम्मत और जिसे पिला दी गई है जात और धर्म की कसैली घुट्टी। इसीलिए तुम्हारे आंखों में बकवास सी समझदारी की चादर है
और गांव में घर छोड़ गए बच्चों की यादें हैं जिनसे हर शाम तुम, हाँ बेटा ठीक हो ना, हाँ हाँ यहाँ पे बिहार में तो सब कुछ ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, बस यही सब पूछ के तुम सब कुछ ठीक हो जाने का भरम पाले चल रहे हो। पालिए पालिए, खूब भरम पालिए, आपके भरम पालने से ही बिहार ठीक हो जाएगा। बुरबक आदमी कहीं का। अरे आपको भी पता है कि कुछ भी चीज, कोई भी चीज अपने आप ठीक नहीं होता है, उसको ठीक बनाना पड़ता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी टोला, कोई भी मोहल्ला परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो बिहारी है ना, हम लोग ठीक होने और ठीक करने में नहीं, कौन कौन वजह से ठीक नहीं हो सकता है उस पर बतकुच्चन करेंगे, और फिर रात में लिट्टी चोखा खा के और दो बार जय बिहार का नारा लगा के रिंकिया के पापा की ही सुनकर सुत जाएंगे। देखिए शिकायत करने बैठे ना तो पूरा रात गुजर जाएगा, शिकायत खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए शिकायत को छोड़ते हैं, सल्यूशन पर आते हैं, क्या किया जा सकता है। तो आज का जो जनरेशन है उसी से बात कर लेते हैं, हमारा जो जनरेशन है, जिस जनरेशन के हम हैं। अरे देखिए पुराना जनरेशन जो है ना, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसके पास संसाधनों की कमी थी, रिसोर्स की कमी थी, उनका प्रॉब्लम जायज़ था। लेकिन हमारे जनरेशन का आप खुद सोचिए, हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं, हमारे पास इतना सारा एक्सेस है, हम लोग इतना दुनिया में अभी नया नया बदलाव को देख रहे हैं, उसके हम लोग अभी मतलब कर्णधार हैं, हम लोग खुद वो बदलाव ला रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, जेन नेक्स्ट हैं हम लोग, नया लड़का बच्चा सब। तो खुद सोचिए कि जब साला पटना न्यू पटना हो सकता है, तो क्या हमारे मसले, हमारे सवाल, हमारी हिमाकत नई नहीं हो सकती है? हाँ? अरे क्यों नहीं चढ़ बैठते हैं हम सियासत के रसूखदारों के छाती पर, जिनका बचपन से नाम सुन सुन के हम लोग का कान पथरा गया है, और काहे नहीं उनके छाती पर चढ़कर उनसे सवाल पूछते हैं कि कोई माई के लाल के पिछवाड़े में साला दम कहां से हो गया रे, क्यों हमारे बहु बेटियों की इज्जत को तार तार करके 3 महीना खुलेआम घूमता रहे, और जब साला जो पकड़ाया है, जाके देखिए कैसे हंस रहा है, किस पे हंस रहा है, वो हम पे और आप पे हंस रहा है, निडर हो गया है, वो तंत्र पे हंस रहा है कि हम तो ये काम करेंगे तुम मेरा काऊ खार लेगा रे, हंस रहा है वो। नहीं देखे तो जाके गूगल में देखिए, जब वो पकड़ाया है तो कैसे हंस रहा है वो आदमी। देखिए ज्ञान मत बांटिए हमको, रिजल्ट चाहिए हमको, रिजल्ट जवाब दीजिए हमको, गंगाजल फिल्म हम भी देखे हैं 100 बार, जवाब दीजिए हमको कि हमारा सरकार चुप काहे है, इस तंत्र, इस सिस्टम चुप काहे है। जनतंत्र की नींव जिस धरती पर, जिस बिहार पे सबसे पहली पड़ी, आज उसी के तंत्र को घुन लग गया है, खत्म हो गया है, टोटल खत्म। अरे झांकिए अपने अंदर, खोजिए जवाब, थेथोलॉजी छोड़िए, और जो जवाब मिल गया ना तो उखाड़ के फेंक दीजिए इस तंत्र को। कहे कि दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र इतना मजबूत नहीं है ना कि जिंदा भीड़ के सामने उसका पैर न थरथराए। वही जिंदा भीड़ बनिए, निकल जाइए सड़क पर, जो पुराना नारा लिखा है ना उस नारे को मिटा दीजिए। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख पर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख हंगारे न देख, वे सहारे ही नहीं अब जंग लड़नी है तुझे अकेले, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख, उठिए खड़े होइए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे इस मुद्दे को उछालिए, ट्रेंड कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ना कीजिए, इस मुद्दे पे जरूर लिखिए,